Hello friends, welcome back to your UPSC. So we will continue with our series, that is Aapno Rajasthan. Okay, we have already covered Rajasthan first in world and first in India. Okay, so jo bhi person, place, thing, anything, institutes, etc. jo world mein aur India mein, Rajasthan ke context mein pehle baar introduce hue the, we have already covered them. Now for today our topic is first in Rajasthan. ठीक है, कोई भी institute, कोई भी place, ठीक है, कोई भी basically we can say कोई भी person जो पहली बार राजस्थान में कोई भी चीज़ introduce हुई तो वो कौन सी district में हुई, ठीक है, कब हुई, all these things we will cover for today. सो ये लेक्चर लेंदी होने के कारण इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो दिस इज़ द पार्ट वन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सेम सीक्वेंस रहेगा क्लॉकवाइज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा अपना डिस्ट्रिक्ट, दैट इज गंगानगर. अब गंगानगर में आप देखेंगे, गंगानगर में बेसिकली एशिया का, ओके, एशिया का है तो ऑब्वियसली राजस्थान का भी हो जाएगा, तो एशिया का सबसे बड़ा, ओके, लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल फार्म ये है कहाँ पर, सूरतगढ़. ओके, सूरतगढ़ गंगानगर. तो एशिया का, दैट मीन्स राजस्थान का भी सबसे बड़ा, ओके, लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल फार्म इज इन सूरतगढ़. अब सूरतगढ़ में ही राजस्थान की एक और चीज है, दैट इज राजस्थान का फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट. ये भी कहां पर है, सूरतगढ़ में. तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पॉइंट. देन थर्ड पॉइंट इज राजस्थान की फर्स्ट एग्रो पार्क टेस्टिंग लैब, एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब, सॉरी, टेस्टिंग लैब. ओके, एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब ऑफ राजस्थान फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट कहां पर है, गंगानगर में. ओके, देन लास्ट इज राजस्थान का पहला फर्स्ट प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज ये कहां पर है, ये है गंगानगर में. ओके, तो क्या हो गया, लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल फार्म सूरतगढ़, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़, एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब गंगानगर, एंड देन प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज भी कहां पर है, गंगानगर में. ओके, ये हो गया गंगानगर. गंगानगर के बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है हनुमानगढ़. बट हनुमानगढ़ में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है या इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है राजस्थान में. ओके, सो नेक्स्ट इज चूरू. चूरू में आप देखेंगे, चूरू में सालासर एरिया है. ओके, एंड सालासर में बेसिकली वी विल सी राजस्थान का फर्स्ट कोऑपरेटिव सेक्टर में, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर में विमेन मिनी बैंक, ठीक है, विमेन मिनी बैंक इन कोऑपरेटिव सेक्टर कहाँ है, सालासर चूरू, ठीक है, सालासर चूरू. सो चूरू में एक ही पॉइंट था. नेक्स्ट इज झुंझुनू. झुंझुनू में बेसिकली वी विल सी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो झुंझुनू में वी विल सी राजस्थान की फर्स्ट, ओके, एंड नॉट इवन राजस्थान, इंडिया की फर्स्ट
मिनरल कोर लाइब्रेरी, फर्स्ट मिनरल कोर लाइब्रेरी, कहाँ पर है? अखवाली विलेज। अखवाली विलेज ये कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है, अखवाली विलेज झुंझुनू। एंड देन आप देखेंगे पिलानी में, सबसे पहली बात तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा पिलानी में आप देखेंगे नर्स और कंपाउंडर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पिलानी में। ओके, देन इंडिया का एंड राजस्थान का फर्स्ट नॉन स्मोकिंग, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं स्मोक फ्री शहर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर धूम्रपान नहीं होता, स्मोकिंग फ्री सिटी है ये, ठीक है, स्मोकिंग फ्री सिटी कौन सी? झुंझुनू। ओके, झुंझुनू में लास्ट चीज़ जो आप देखेंगे वो है सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी फॉर डोंकीज, ठीक है, डोंकीज के लिए सेंचुरी, राजस्थान की पहली सेंचुरी जो कि डोंकीज के लिए बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? ढूंढलोद, ठीक है, ढूंढलोद में। तो सबसे पहली मिनरल कोर लाइब्रेरी अखवाली विलेज, ठीक है, इंडिया की और राजस्थान की। देन प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एंड नर्स एंड कंपाउंडर्स का ट्रेनिंग सेंटर इज इन पिलानी, ठीक है। देन इंडिया की और राजस्थान की फर्स्ट स्मोकिंग फ्री सिटी, ठीक है, एंड देन सेंचुरीज फॉर डोंकी ढूंढलोद, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इन कॉन्टेक्स्ट विथ झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू के बाद नेक्स्ट इज सीकर, ठीक है। तो सीकर पहले अपन क्लियर कर देते हैं पेज को, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सीकर में बेसिकली आप देखेंगे ये राजस्थान का फर्स्ट हाईटेक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी नॉट हाईटेक, फर्स्ट हाईटेक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, सीकर। ओके, देन उसके बाद सप्त गौ माता का मंदिर, राजस्थान का फर्स्ट सप्त गौ माता टेम्पल, ये कहाँ है? सीकर में, ठीक है। सीकर में जो रेवासा है, रेवासा तहसील वहाँ पर है, ओके। तो ये जो सप्त गौ माता टेम्पल है ये राजस्थान का फर्स्ट है एंड इंडिया का फोर्थ है, ठीक है, इंडिया का फोर्थ सप्त गौ माता टेम्पल है, ओके। देन सीकर में जगमालपुरा है, जगमालपुरा राजस्थान का वन एंड ओनली एनसीसी विलेज है, ठीक है, वन एंड ओनली एनसीसी ग्राम कौन सा है? जगमालपुरा, ठीक है, जगमालपुरा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज जयपुर, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज जयपुर। अब जयपुर में काफी सारी चीजें हैं, सो प्लीज लिसन केयरफुली। जयपुर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो राजस्थान का फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो स्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1992 में इन जयपुर, ठीक है। पहला नगर निगम 1992 में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में राजस्थान का फर्स्ट फ्रोजन सीमन बैंक, फ्रोजन सीमन बैंक ये कहाँ है? ये है बस्सी जयपुर, ठीक है, ये कहाँ है? बस्सी में, जयपुर में, ओके। देन वुमेन लॉ यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? जयपुर में। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी,
ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी। एंड ये बेसिकली आप देखेंगे विमेन लॉ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देन ऑर्गेनिक गार्डन, ये है नाहरगढ़ में, राजस्थान, जयपुर में, ठीक है। देन कैंसर हॉस्पिटल, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल। उसके बाद में बिजनेस पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बिजनेस पोस्ट ऑफिस ये भी जयपुर में है, स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में है, ओके। देन फुट ब्रिज आप देखेंगे, ये जयपुर में है। देन म्यूजिक कॉलेज, ये कहाँ पर है, त्रिवेणी नगर जयपुर, ठीक है, त्रिवेणी नगर जयपुर, ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2002, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इज, जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है, तो यहाँ पर क्या है, वेस्ट में से आप पावर जनरेट कर रहे हो, पावर जनरेट कर रहे हो, तो पावर जनरेट करने का जो कारखाना है, ठीक है, पावर बनाने का जो कारखाना है वो भी कहाँ पर है, जयपुर में है, जो फैक्ट्री है इट इज़ इन जयपुर, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो, जो इनलैंड कंटेनर डिपो है वो है सांगानेर, ओके। देन उसके बाद साइबर कियोस्क पार्क, दिस इज इन कालाडेरा, ओके, कालाडेरा। उसके बाद में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी राजस्थान की पहली जयपुर में है। देन बेयर रेस्क्यू सेंटर जयपुर में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजस्थान का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन सांगानेर, ठीक है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो, देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये क्या है, सांगानेर में है। नाउ एक डैम है जिसे अपन बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, नाउ एक डैम है जिसे अपन बोलते हैं कानोता डैम। तो यहाँ पर वाटर रिजर्व के अलावा एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में फिश प्रोडक्शन होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्या होता है, फिश प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कानोता डैम है, ये सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा मछली उत्पादक, ठीक है, मछली उत्पादक बांध है, तो फिश प्रोडक्शन डैम है, ओके। आगे एलिफेंट एंड लायन सफारी पार्क, ये है नाहरगढ़ में, एलिफेंट एंड लायन सफारी पार्क इज इन नाहरगढ़, ओके। नाहरगढ़ में क्या था, ऑर्गेनिक गार्डन भी था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एलिफेंट एंड लायन सफारी पार्क। उसके बाद में WTP, थ्री स्टोरी फ्लाईओवर, ओके, थ्री स्टोरी फ्लाईओवर, एंड इंडिया का एंड राजस्थान का फर्स्ट इंडोर स्टेडियम SMS स्टेडियम, ओके, SMS स्टेडियम है। देन उसके बाद में किसान भवन, राजस्थान का किसान भवन इज इन जयपुर, राजस्थान का किसान भवन इज इन जयपुर। देश और राजस्थान का, मतलब इंडिया और राजस्थान का आप देखेंगे, फर्स्ट इंदिरा गांधी जी का जो टेम्पल बना है, ओके, इंदिरा गांधी जी का जो टेम्पल बना है वो है अचरौल में, ओके, अचरौल में, विच इज इन जयपुर, ओके। आगे चलते हैं अमर ज्योति, जवान ज्योति जो मेमोरियल है, अमर जवान ज्योति स्मारक जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में। यहाँ पर आगे आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का जो एयरपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट, ये है पालड़ी में। एंड देन आप देखेंगे दूसरा है मनोहरपुरा, ओके, पालड़ी एंड मनोहरपुर, सॉरी नॉट पुरा, पुर, ठीक है,
मनोहरपुर। राजस्थान का और देश का पहला एलिफेंट विलेज है अलवर, सॉरी आमेर। ओके आमेर। उसके बाद आप देखेंगे बायो सीएनजी प्लांट जो है वो है दुर्गापुरा में। इट इज इन दुर्गापुरा। ओके उसके बाद में इंटरनेट से जुड़ने वाला, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला पहला गांव जो है वो है नायला। ठीक है, एक बार इसको क्लियर करते हैं। नायला, आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन सेंटर, ठीक है, आकाशवाणी एंड दूरदर्शन सेंटर ऑफ राजस्थान, सॉरी इट इज नॉट गंगानगर, आई एम सो सॉरी। आकाशवाणी एंड दूरदर्शन सेंटर इज इन जयपुर। ठीक है, उसके बाद में बर्ड क्लिनिक जौहरी बाजार में है, जौहरी बाजार में। ये स्टेब्लिश हुआ था 1953 में। देन वी हैव गोल्फ एकेडमी। ओके देन राजस्थान का फर्स्ट हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी। ओके हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? राजस्थान में, जयपुर में। देन आंवला मंडी जो इंडियन गूजबेरी है उसका मार्केट चौमू में। ओके देन डीएनए टेस्टिंग लैब, डीएनए टेस्टिंग लैब ऑफ इंडिया ये है जयपुर में। एंड देन आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, सबसे पहले डीएनए टेस्टिंग लैब, देन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पेपर हैंडीक्राफ्ट। ओके पेपर हैंडीक्राफ्ट ये स्टैब्लिश हुआ था सांगानेर में। ओके ये स्टैब्लिश हुआ था सांगानेर में। उसके बाद आप देखेंगे सांगानेर के बाद इंडिया, सॉरी राजस्थान का फर्स्ट रेल, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज इन जयपुर। ठीक है, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद में राजस्थान का प्रथम या फिर फर्स्ट एलिफेंट सफारी इज इन आमेर। ठीक है, ऑब्वियसली हाथी गांव है तो फिर एलिफेंट सफारी भी कहाँ पर होगी? आमेर में। ओके राजस्थान का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इज इन सीतापुरा। ओके सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में, तो वो क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क है वहाँ पर। राजस्थान का फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हॉस्टल, जस्ट अ सेकेंड, मुस्लिम वुमेन हॉस्टल जयपुर में। एंड देन फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस ये भी कहाँ है? जयपुर में। एंड देन सोलर पावर्ड एटीएम इज इन मनोहरपुर। ये कहाँ है? मनोहरपुर में। एंड देन फर्स्ट ग्राम न्यायालय ये कहाँ है? बस्सी। ठीक है, फर्स्ट ग्राम न्यायालय कहाँ है? बस्सी में। ओके तो ये हो गए जयपुर के पॉइंट, एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन उसके बाद फर्स्ट सीमेन सेंटर बस्सी में, फर्स्ट वुमेन लॉ यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिराव फूले जयपुर, जैविक उद्यान जो है मतलब ऑर्गेनिक गार्डन नाहरगढ़ में, कैंसर हॉस्पिटल, बिजनेस पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, फुट ब्रिज, म्यूजिक कॉलेज त्रिवेणी नगर में है। देन कचरे से जो वेस्ट से आप पावर जनरेट करते हैं उसकी फैक्ट्री जयपुर में है, इनलैंड कंटेनर डिपो सांगानेर में है, साइबर कियोस्क पार्क इज इन कालाडेरा, देन होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी इज इन जयपुर, देन बेयर रेस्क्यू सेंटर जयपुर में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर में। राजस्थान का फर्स्ट, ओके एंड सबसे बड़ा फिश प्रोडक्शन जो डैम है वो है कानोता डैम,
उसके बाद में एलिफेंट एंड लायन सफारी नाहरगढ़ में, वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में, थ्री स्टोरी फ्लाईओवर ये भी जयपुर में, राजस्थान का और देश का फर्स्ट इंडोर स्टेडियम ऑब्वियसली सवाई मानसिंह स्टेडियम, किसान भवन जयपुर में है, देन देश और राजस्थान का फर्स्ट इंदिरा गांधी टेम्पल अचरौल में, अमर जवान ज्योति स्मारक या फिर आप कह सकते हैं अमर जवान ज्योति मेमोरियल इज इन जयपुर, प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट पालड़ी में एंड मनोहरपुर में, कंट्री मतलब इंडिया का एंड राजस्थान का फर्स्ट एलिफेंट विलेज इज आमेर, बायो सी एन जी प्लांट इज इन दुर्गापुरा, इंटरनेट से जुड़ने वाला फर्स्ट विलेज जो है वो नायला है, आकाशवाणी सेंटर एंड दूरदर्शन सेंटर 1955 में इस्टेब्लिश हुए थे जयपुर में, देन बर्ड क्लिनिक जौहरी बाजार 1953 में इस्टेब्लिश हुआ, गोल्फ अकेडमी है जयपुर में, राजस्थान का फर्स्ट हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी है जयपुर में, आंवला मंडी है चौमू में, देन डीएनए टेस्टिंग लैब जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ है सांगानेर में, उसके बाद में फर्स्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जयपुर, राजस्थान का फर्स्ट एलिफेंट सफारी आमेर में, देन फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इज इन सीतापुरा, मुस्लिम वेमेन के लिए हॉस्टल बनाया गया था पहला जयपुर में, एंड देन फर्स्ट वेमेन पोस्ट ऑफिस जयपुर में, राजस्थान का फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम इज इन मनोहरपुर, एंड लास्टली फर्स्ट ग्राम न्यायालय कहाँ पर था बस्सी में, ओके तो ये हो गया क्या जयपुर। जयपुर के बाद नेक्स्ट इज अलवर, अलवर में आप देखेंगे जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहली बात तो वाटर यूनिवर्सिटी या एक्वा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये कहाँ है अलवर में, राजस्थान की पहली एक्वा यूनिवर्सिटी या वाटर यूनिवर्सिटी इज इन जयपुर, ये एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का फर्स्ट मॉडल डिस्ट्रिक्ट इज अलवर। यहाँ पर आप देखेंगे करेंसी नोट्स छापने के लिए ओके एक इंक का यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर इंक का यूज़ होता है, वो कहाँ मिलती है राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी जो एरिया है, ठीक है भिवाड़ी एरिया में मिलती है, जो राजस्थान का खेल गांव है या फिर गे स्पोर्ट्स विलेज है वो है जैरोली ओके। राजस्थान का द वन एंड ओनली पिग रिप्रोडक्शन सेंटर इज इन अलवर, ठीक है एंड अलवर आप अगर जानते हैं जैसा कि अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जो कि NCR दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन में इंक्लूड होता है ओके उसके बाद में अलवर इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट आएगा अजमेर ओके अजमेर में आप देखेंगे फर्स्ट सिटी काउंसिल या फिर आप कह सकते हैं पहला नगर परिषद कहाँ पर है अजमेर में है। राजस्थान का फर्स्ट हाईटेक पोस्ट ऑफिस इज इन पुष्कर ओके पुष्कर में। देन सिंथेटिक हॉकी जो मैदान है सिंथेटिक हॉकी जो फील्ड है तो सिंथेटिक कैसे है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ग्रास ठीक है आप देखेंगे एस्ट्रो टर्फ लगा रखा है ठीक है एस्ट्रो टर्फ बिछा रखा है तो इंस्टेड ऑफ ग्रास इस पर प्रैक्टिस की जाती है एस्ट्रो टर्फ पर प्रैक्टिस की जाती है तो ये क्या है सिंथेटिक हॉकी फील्ड है ओके उसके बाद में आप देखेंगे विमेन हॉकी अकेडमी है यहाँ पर ठीक है पावर लूम पार्क है पावरलूम पार्क कहाँ है सिलौर किशनगढ़ ओके सिलौर किशनगढ़ के पास में। उसके बाद आप देखेंगे कोऑपरेटिव कमेटी 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी ठीक है ये कहाँ पर हुई थी भिनाय अजमेर ओके आगे चलते हैं अपन उसके बाद में आप देखेंगे
ये है फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ओके, फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो इसमें फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, और इसमें जो गांव है वो है मसूदा, ओके, फर्स्ट लिटरेट विलेज का क्या है मसूदा। उसके बाद में आप देखेंगे आंवला नर्सरी, मतलब इंडियन गूसबेरी की जो नर्सरी है वो कहाँ है, अजमेर में, जो 1857 रिवोल्ट था, ओके, 1857 जो रिवोल्ट था उसमें राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो 1857 का रिवोल्ट का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था राजस्थान में। एंड राजस्थान में जो ये 1857 का रिवोल्ट है इसका इनिशिएशन हुआ था फ्रॉम अजमेर, कहाँ से, नसीराबाद से, ठीक है। अजमेर में जो आप देखेंगे नसीराबाद है वहाँ से इनिशिएट हुआ था क्या 1857 का रिवोल्ट इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर। फर्स्ट जो मस्जिद है वो कौन सी है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, वो अजमेर में है। तो राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये 1194 में इस्टेब्लिश हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान का फर्स्ट, ओके, एंड आप कह सकते हैं पुराना जो डेयरी प्लांट है वो है पद्मा डेयरी, ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन राजस्थान का फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट एवर कॉलेज जो आया था वो अजमेर में आया था। एंड उसके बाद में फर्स्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर, कंज्यूमर स्टोर कहाँ है, अजमेर में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आएगा अपना भरतपुर, भरतपुर बेसिकली वी विल सी यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, भरतपुर में आप देखेंगे फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, इसमें विमेन या एसटी विमेन ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था वो कहाँ हुआ था, डीग, डीग इन भरतपुर, ये हुआ था स्टैब्लिश 1904 में, ठीक है, ये हुआ था स्टैब्लिश कब, 1904 में। अब भरतपुर के बाद नेक्स्ट आता है धौलपुर, धौलपुर में आप देखेंगे ये सबसे पहली बात तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया के कॉन्टेक्स्ट में धौलपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ओके, ये मैक्सिमम मिनिमम में अपन ने कर लिया था। तो धौलपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप देखेंगे वो है राजस्थान का फर्स्ट मल्टी प्रोडक्ट सेल्स, मल्टी प्रोडक्ट सेल्स बेसिकली क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। तो उसमें क्या है, मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ट्रेडिंग में काफ़ी सहूलियत होती है, काफ़ी आपको रिजिड लॉस को कम कर दिया जाता है वहाँ पर SEZ में, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड रिजिड लॉज हैं उनको हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, जिससे ट्रेडिंग ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो सके, ज़्यादा इजीली हो सके, ओके। तो धौलपुर में पहला सेज बना था, ठीक है, पहला मल्टी वी कैन से मल्टी प्रोडक्ट सेज बना था। मल्टी प्रोडक्ट सेज मतलब सी, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी ट्रेड कर रहे हो वहाँ पर, आप सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स का भी कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आप कॉटन टेक्सटाइल का भी कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, अलग अलग सेक्टर से ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वो अलग अलग सेक्टर से आ रही है। सो इसी तरीके से क्या हो गया, मल्टी प्रोडक्ट सेल्स हो गया, ओके। जैसे आप देखेंगे जयपुर में अब मल्टी प्रोडक्ट सेल्स है, यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्राल्ट का मार्केट है, ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे क्या है, उसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ओके। तो धौलपुर में फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुआ था मल्टी प्रोडक्ट सेल्स। तो पहली बात तो ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया, एंड देन क्या है, मल्टी प्रोडक्ट सेल्स है
फर्स्ट मल्टी प्रोडक्ट सेज आया था धौलपुर में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इज सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं पेज को क्लियर कर लूँ। ओके, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में बेसिकली आप क्या देखेंगे, राजस्थान का, ओके, राजस्थान का फर्स्ट नेशनल पार्क, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, ये था सवाई माधोपुर में। और ये क्या है, फर्स्ट जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑब्वियसली ये क्या है, प्रोजेक्ट था, ठीक है। फर्स्ट टाइगर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट और फर्स्ट जो नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था राजस्थान में, वो है रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये है सवाई माधोपुर में। एंड इट वॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, ठीक है, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए स्टैब्लिश हुआ था। तो सवाई माधोपुर में रणथंबोर नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है ऑफ राजस्थान, एंड सबसे पहला पार्क है टू प्रोटेक्ट टाइगर, सबसे पहला प्रोजेक्ट है टू प्रोटेक्ट टाइगर, ठीक है। उसके बाद में आता है टोंक, ठीक है, उसके बाद में आता है टोंक। अब टोंक को देख लेते हैं अपन। टोंक में आप देखेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है, ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, बीसलपुर, बीसलपुर डैम, ठीक है, बीसलपुर डैम, बीसलपुर डैम कहाँ है, टोंक में, ठीक है। इसके बाद आपने देखेंगे ये जो बीसलपुर डैम है, ये पहला डैम है राजस्थान का जिसको कंक्रीट से बनाया गया था, ठीक है। तो काफ़ी मजबूत डैम है ये, ठीक है, कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे जो बीपीएल कार्ड होता है, ठीक है, बीपीएल कार्ड होता है उसमें आप क्या है, पूरे परिवार की फोटोग्राफ्स होती हैं, ठीक है, पूरे परिवार की फोटोग्राफ्स होती हैं। तो जो पूरी फैमिली की फोटोग्राफ वाला बीपीएल कार्ड फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम पब्लिश करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, टोंक, ठीक है। तो बीपीएल कार्ड विद फुल फैमिली फोटोग्राफ को पब्लिश करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, टोंक डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इज बूंदी। अब बूंदी में आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो बूंदी में आप देखेंगे राजस्थान का फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, ये कहाँ है, लाखेरी, लाखेरी इन बूंदी। देन राजस्थान का फर्स्ट कोऑपरेटिव शुगर मिल, ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, बूंदी में, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1965 में, ठीक है, और ये हुई थी केशव राय पाटन, ठीक है, केशव राय पाटन, ठीक है, केशव राय पाटन में 1965 में एस्टेब्लिश हुई थी कोऑपरेटिव शुगर मिल, ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बूंदी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोटा, ठीक है, कोटा में आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, स्विंगिंग ब्रिज, ठीक है, झूलता हुआ पुल जो है, या फिर आप कह सकते हैं हैंगिंग ब्रिज, ये कोटा में एस्टेब्लिश हुआ है, कोटा में है। तो राजस्थान का फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज कहाँ है, कोटा में, बट ये अब टूट चुका है, ठीक है, 2009 में, 24 दिसंबर 2009 में ये टूट गया था, ओके। तो जो हैंगिंग ब्रिज था राजस्थान का पहला, वो कहाँ था, कोटा में। देन टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू, ये कहाँ है, कोटा में है, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत भी कोटा में है, एंड ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से है, ठीक है। एग्रो फूड पार्क यह है रानपुर, ठीक है। उसके बाद में पोर्टेबल प्लानिटोरियम, प्लानिटोरियम ये भी कहाँ है, कोटा में। देन नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्नेक जो पार्क है, स्नेक पार्क, वो कहाँ है, कोटा में। ओके, सबसे पहला स्नेक पार्क ये कहाँ पर है, कोटा में। देन ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क जो है वो कहाँ है, 1992 ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था इन कोटा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे टेलीमेडिसिन, ठीक है। टेलीमेडिसिन बेसिकली क्या है, ऑनलाइन आप कंसल्ट करते हो डॉक्टर को एंड वो ऑनलाइन ही आपको कुछ मेडिसिंस रिकमेंड करता है, ठीक है। डॉक्टर आपके जो सिम्टम्स हैं उनको जांच करके ऑनलाइन ही मेडिकल मेडिसिंस आपको रिकमेंड करेंगे। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मोबाइल या नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हुआ, ओके। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि मेडिकल रीजंस की वजह से हुआ, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन जो बेसिकली आप कह सकते हैं, जस्ट अ सेक, टेलीमेडिसिन वाला जो पहला गांव है वो है कैथून, ठीक है, वो है कैथून, ओके। तो ये कहाँ है, कोटा में, ओके। देन प्राइवेट सेक्टर में जो एग्रीकल्चरल मार्केट है, एग्रीकल्चरल मार्केट इन प्राइवेट सेक्टर ये है, ये भी कहाँ है, कैथून में, ठीक है, ये भी कहाँ है, कैथून कोटा में। देन आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था आउटसाइड ऑफ जयपुर, जयपुर क्या है, कैपिटल सिटी है राजस्थान की, राजस्थान की कैपिटल सिटी है। तो जैसे इंडिया में जब रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कहाँ होता है, दिल्ली में, ओके। वैसे ही राजस्थान का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन कहाँ होगा, जयपुर में। बट फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेशन हुआ था, ओके, आउटसाइड जयपुर, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कोटा में, ठीक है। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था कोटा में, ठीक है, याद रखना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था कोटा में, एंड जो आपका इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट हुआ था उदयपुर में, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड इन कोटा, और ये हुआ था 2007 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट, ओके। पहला ऑर्गेनिक फार्मर क्लब ये है खेला रसूलपुर, ठीक है, खेला रसूलपुर में है फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मर क्लब, खेला रसूलपुर, ओके। एंड देन राजस्थान का दूसरा, ठीक है, राजस्थान का सेकंड स्पाइस पार्क कहाँ है, कोटा में। तो ये सेकंड है, तो पहला कौन सा है, पहला है आपका, पहला कहाँ पर है, जोधपुर में ओसियां, ठीक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ओसियां विलेज है, वो है आपका पहला स्पाइस पार्क। कोटा में है आपका सेकंड स्पाइस पार्क, ठीक है, कोटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन बारा, बारा में आप देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, बारा में आप देखेंगे राजस्थान का फर्स्ट लहसुन मंडी, ठीक है, राजस्थान की फर्स्ट गार्लिक जो मार्केट है वो कहाँ पर है, छिपड़ा बदौड़, ठीक है, छिपड़ा बड़ौद, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे बारा में ही क्या है, ब्रह्माणी माता का मंदिर है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, ये कहाँ पर है, सौरसेन, ठीक है, सौरसेन बारा,
इसके बाद नेक्स्ट आएगा झालावाड़। झालावाड़ में बेसिकली आप देखेंगे, झालावाड़ में अपन देखेंगे जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले जो नेशनल लेवल का फार्मर कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ था इन फ्रॉम झालावाड़। नेशनल लेवल फार्मर कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड वॉज स्टार्टेड इन झालावाड़, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे शीतलेश्वर महादेव का टेम्पल है एंड उस पर क्या है, डेट मार्क्ड है, ठीक है, वो डेटेड है, ठीक है, कि कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो ये कहाँ पर है, झालरा पाटन झालावाड़। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान का फर्स्ट अश्वगंधा मंडी, ठीक है, अश्वगंधा मार्केट, ये एक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज राजस्थान का फर्स्ट माइनॉरिटी ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, ये भी झालावाड़ में है और इसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज, ये कहाँ है, झालावाड़ में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम माइनॉरिटी बीएड कॉलेज, ये कहाँ हो गया, झालावाड़ में, ठीक है। इसके बाद जो आज का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा में आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, भीलवाड़ा में आप देखेंगे राजस्थान का जो फर्स्ट वेजिटेबल घी जो है उसकी मील जो थी, ठीक है, वेजिटेबल घी की जो मील थी वो 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी इन भीलवाड़ा, ठीक है। वेजिटेबल घी की जो मिल है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1964 में इन भीलवाड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में फर्स्ट कताई मील जो है, ठीक है, फर्स्ट कताई मील कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, इन गुलाबपुरा। ओके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन बनाई जाती है, तो उसका सेंटर फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ था भीलवाड़ा में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर। इसके बाद आप देखेंगे जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस है, उसका रेडियो स्टेशन, ठीक है, पहला रेडियो स्टेशन फॉर एग्रीकल्चरल साइंस वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम भीलवाड़ा, ठीक है। फर्स्ट जो आपका नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, पेजेंट्स का रिवोल्ट हुआ था, वो राजस्थान में हुआ था भीलवाड़ा से, ठीक है। तो बिजोलिया है, बिजोलिया गांव है, वो क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका अहिंसात्मक ऐसे असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये किसान आंदोलन था और ये पहला अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे बिजोलिया के पास नया गांव है, ठीक है, वहाँ पर जो फर्स्ट भूमिज स्टाइल है, भूमिज स्टाइल का विष्णु मंदिर है, ठीक है, भूमिज स्टाइल का विष्णु मंदिर है, तो ये पहला नोन मंदिर है जो कि भूमिज स्टाइल में बना हुआ है। ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, बिजोलिया में, कौन सी है, भूमिज स्टाइल, ये क्या है, विष्णु मंदिर, विष्णु टेंपल, ओके। तो भीलवाड़ा में क्या है, विष्णु टेंपल है जो कि भूमिज स्टाइल में बना हुआ है। राजस्थान का पहला असहयोग आंदोलन था, ये क्या है, अहिंसात्मक आंदोलन था, ये पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया था,
ठीक है, पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया था, ये काफ़ी लंबा चला था, 1941 तक चला था ये। तो बेसिकली आप इसमें क्या देखेंगे, ये बिजोलिया से स्टार्ट हुआ था भीलवाड़ा में, एंड ये पहला नॉन कोऑपरेशन नॉन वायलेंट मूवमेंट था ऑफ पेजेंट्स। ठीक है, उसके बाद में भूमिज स्टाइल में आपका विष्णु टेम्पल हो गया। नेक्स्ट इज माइका सिटी, भीलवाड़ा को माइका सिटी भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आपको कहाँ दिखेंगी, भीलवाड़ा में। ठीक है, इसको टाउन लेंस का दर्जा मिला है भीलवाड़ा को। ठीक है, केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 26 फरवरी 2009 में क्या किया था, इसको इसको दिया था एक स्टेटस ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट सिटी। ठीक है, कॉटन एक्सपोर्ट सिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भीलवाड़ा के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, वनस्पति घी जो है, वेजिटेबल घी, उसकी फर्स्ट मिल 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी इन भीलवाड़ा। कोऑपरेटिव सेक्टर में फर्स्ट कताई मिल जो है वो गुलाबपुरा में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा, देन एग्रीकल्चरल साइंस रेडियो स्टेशन ये भी भीलवाड़ा में, फर्स्ट जो नॉन कोऑपरेशन नॉन वायलेंट पेजेंट मूवमेंट हुआ था, पेजेंट रिवोल्ट हुआ था, वो बिजोलिया में हुआ था। देन बिजोलिया के पास क्या है, नया गांव है, नया गांव में आपको विष्णु टेम्पल मिलेगा जो कि नोन टेम्पल है। ठीक है, नोन है कि यहाँ पर क्या है, भूमिज स्टाइल को यूज़ किया गया है। भीलवाड़ा को अबरक नगरी या माइका सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो इस वजह से 26 फरवरी 2009 में इसको क्लोथ्स एक्सपोर्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, हाल ही में इसे क्या है, टाउन लैंड्स का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट। तो भीलवाड़ा तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अब अपन कंप्लीट करेंगे या कवर करेंगे वेस्टर्न एंड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरी वन, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन आर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।